20 ओवर के मुकाबले में 523 रन, ये किसी सपने से कम तो नहीं लगता, लेकिन 27 मार्च को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इसे हकीकत में तब्दील होता हुआ देखा गया। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच हुई इस भिड़ंत ने क्रिकेट फैंस को कभी नहीं भूलने वाला मैच दे दिया है। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतने के बाद हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन इसके बाद वो केवल गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार जाते ही देखते रह गए, क्योंकि विरोधी टीम ने 277 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में मुंबई की टीम 246 रन ही बना पाई और इस मुकाबले को 31 रन से हार गई। इस मुकाबले ने कई रिकॉर्ड के साथ कई दिल भी तोड़े, तो आइए पूरे मैच की हाईलाइट इस वीडियो के जरिए जानते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों अपने पहले मुकाबले में शर्मनाक हार झेलने के बाद पैट कमिंग्स की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने दूसरे मुकाबले में धमाकेदार वापसी की। 27 मार्च को मुंबई इंडियंस के साथ खेले गए आईपीएल 2024 के 8वें मुकाबले में हैदराबाद के सभी बल्लेबाजों ने धमाल मचाया। टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया और खूब जमकर पिटाई की। हेड ने केवल 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और कुल 24 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के भी देखने को मिले। ट्रेविस हेड ने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी भी की। हालांकि उनके आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए छक्के चौकों की बरसात हुई। उन्होंने 273 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 23 गेंदों पे 63 रन बनाए, लेकिन 11वें ओवर में पीयूष चावला को अपना विकेट दे बैठे। बता दें, इस दौरान अभिषेक ने 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक है। इसके बाद चौथे और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कप्तान एडन मार्करम और धाकड़ बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने भी धमाल मचाया। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए टीम के स्कोर को 270 रनों के पार पहुंचाया। मार्करम ने 28 गेंदों पर 42 रन और हेनरी क्लासन ने 34 गेंदों पर 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से 80 रन नाबाद बनाए। इस धमाकेदार पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 277 रन बनाए, जो आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। मुंबई की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे केनवा मफाका ने 4 ओवर में 66 रन खर्च किए। इसके बाद टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन ने तूफानी शुरुआत की और केवल 3 ओवर में 50 रन जड़ दिए। ईशान किशन ने 13 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 34 रन की पारी खेली, लेकिन वो चौथे ओवर में आउट हो गए, जबकि रोहित भी 5वें ओवर में पैट कमिंग्स का शिकार बन गए। रोहित ने 12 गेंदों पर 26 रन बनाए। इसके बाद तिलक वर्मा और नमन धीर ने भी तेजी से रन बनाए। दोनों ने मिलकर 84 रन जोड़े और 11वें ओवर में 150 रन तक मुंबई के स्कोर को पहुंचा दिया था। नमन 14 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा ने 34 गेंदों पर 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से 64 रनों की पारी खेली। तिलक को पैट कमिंग्स ने 15वें ओवर में पवेलियन भेजा। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने 20 गेंदों पर 24 रन बनाए और 18वें ओवर में वो उनाडकट की गेंद पर आउट भी हो गए। अंत में टीम डेविड और उमारियो सीफर्ड ने जरूर तूफानी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन वो मुंबई को ये रिकॉर्ड चेस तक नहीं पहुंचा पाए। टीम डेविड ने 22 गेंदों पे 42 रन और सीफर्ड ने 6 गेंदों पे 15 रन बनाए। इस तरह मुंबई इंडियंस इस रिकॉर्ड टारगेट का पीछा करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 246 रन ही बना पाई। अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिटर को लाइक और सब्सक्राइब करें।